हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच गए हैं श्री ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि मंदिर। तो ये मंदिर आता है आलंदी। तो आलंदी पुणे से 23 किलोमीटर दूर है। ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं, ये है विश्व शांति स्तंभ। तो ये मंदिर स्थित है इंद्रायणी नदी के तट पर। तो चलिए हम आपको कराते हैं आलंदी दर्शन। तो मंदिर के बाहर बहुत सारे स्टॉल हैं, वहाँ से आप पूजा का सामान या फिर प्रसाद खरीद सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे श्री ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि मंदिर। तो 1750 में काशीराव शिंदे इन्होंने ये महाद्वार बनाया था। तो चलिए यहाँ से हम दर्शन के लिए जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर माउली ने 21 साल के उम्र में ही, यानी कि 1218 साल में संजीवन समाधि ली थी। और ये मंदिर 1540 या 1570 में बनाया गया था। तो ये है सुवर्ण पिंपल वृक्ष। तो इस दरवाजे को कहते हैं शान दरवाजा। और यहाँ से हम दर्शन करके एग्जिट करेंगे मंदिर को। तो ये है भव्य शान दरवाजा। तो ये है इंद्रायणी नदी। और यहाँ पे बहुत सारे भक्त स्नान करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और यह है इंद्रायणी नदी। यहाँ पे बैठ के बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही अच्छा पीसफुल लगता है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आपके फैमिली और दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।